मंगेशकर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी आवाज देश के संगीत की आत्मा बनी रहे। साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता मंगेशकर ने हिंदी और मराठी सहित देश की लगभग 20 भाषाओं के संगीत में अमूल्य योगदान दिया है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली गायिका है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजी गई लता मंगेशकर अपने 7 दशक लंबे करियर में अपने समय के लगभग सभी महान संगीतकारों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों के साथ काम किया है। लता मंगेशकर ने पिछले दिनों हास्य कलाकार कपिल शर्मा की फिल्म के लिए भी गीत गाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।